माधुरी दीक्षित 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस थीं। माधुरी को उनके फैंस धक धक गर्ल के नाम से भी जानते हैं। बात करें यदि माधुरी की फिल्मों की, उन्होंने अपने करियर में हम आपके हैं कौन, कोयला, खलनायक, साजन, बेटा, त्रिदेव और तेजाब जैसी फिल्मों में काम किया था। बहरहाल आज हम आपको माधुरी की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दिए गए एक सीन के बाद एक्ट्रेस को लंबे समय तक पछतावा हुआ था। इस सीन के बाद जमकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान से जुड़ा है। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में माधुरी और विनोद पर एक गर्मा गर्म किसिंग सीन भी फिल्माया गया था। 80 के दौर में ऐसा रेयर ही होता था कि कोई ए ग्रेड एक्ट्रेस इस तरह बड़े पर्दे पर यूं किसिंग सीन दे दे। हालांकि माधुरी ने यह बोल्ड सीन दिया और फिल्म की रिलीज के बाद इस सीन के चलते खूब कंट्रोवर्सी भी हुई। कहते हैं कि इस घटना के बाद माधुरी बहुत आहत हुई थी। एक इंटरव्यू में माधुरी ने खुलकर कहा था कि वे उस वक्त इंडस्ट्री में नई थीं और उन्हें इंडस्ट्री के तौर तरीके नहीं पता था। माधुरी के अनुसार उन्हें ये नहीं पता था कि किसिंग सीन के लिए ना कहा जा सकता है। वहीं एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया था कि फिल्म में यह सीन जबरदस्ती डाला गया था। आपको बता दें कि फिल्म दयावान के बाद माधुरी ने बड़े पर्दे पर फिर कभी किसिंग सीन नहीं दिया था।